दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं MIUI 12.5 के साथ Android 10 का अपडेट कौन कौन से डिवाइस में देखने को मिलेगा, या फिर कहो तो MIUI 12.5 के साथ Android 11 का जो अपडेट है कौन कौन से डिवाइस में देखने को मिलेगा। और दोस्तों कुछ यूजर का ये भी कहना है कि Android 11 का जिनके डिवाइस में सपोर्ट है उन्हें MIUI 12.5 का अपडेट कब मिलेगा, और जिनके डिवाइस में अभी तक MIUI और जिनके डिवाइस में Android 10 का सपोर्ट है अभी तक MIUI 12.5 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सवाल है ये घुमा फिरा के सवाल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे वो कंप्लीट स्टेटस देने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कब देखने को मिल सकता है अपडेट आप सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, और उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलता रहेगा। और साथ में दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस को इन दोनों का सपोर्ट देखने को मिलने वाला या फिर सपोर्ट है। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे देना चाहता हूँ, उस स्क्रीनशॉट में आपके डिवाइस आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, और हो सके तो मैं आप सभी को सारे डिवाइस का नाम भी बता दूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इन सभी डिवाइस को जो है MIUI 12.5 विथ Android 11 इंडिया स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला है इन सभी डिवाइस में, मतलब इन सभी डिवाइस को सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले Android 11 सपोर्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 9, Redmi 9A, Poco X2, Poco F2 Pro, Poco X3 और Poco M2 Pro, मतलब इन सभी डिवाइस को है जो अपडेट देखने को मिलने वाला है MIUI 12.5 के साथ Android 11 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपके दिमाग में यह अभी भी कंफ्यूज होगा कि जिन्हें Android 11 का अपडेट देखने को मिल चुका है या फिर Android 11 के साथ जिन यूजर को स्मार्टफोन खरीदा है उन्हें MIUI 12.5 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेम ही बात है कि अगर आप सभी को इन दोनों में से कोई एक सा भी अपडेट देखने को मिला है या फिर मिल चुका है तो आप सभी को कुछ समय बाद ही अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक MIUI 12.5 को इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया है, जब रोल आउट किया जाएगा तो सबसे पहले आप ही सभी को अपडेट देखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि जिन्हें MIUI 12.5 विथ Android 10 का सपोर्ट देखने को मिला है वो कौन कौन से डिवाइस है या फिर सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट कहे तो Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Note 7S, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A और Poco F1 जैसे डिवाइस को। तो दोस्तों Redmi 7 और Redmi 7A का तो नाम है पर पता नहीं इन दोनों डिवाइस में MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। अभी तक तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है MIUI 12.5 को लेकर कि अपडेट मिलेगा या नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी तक इन दोनों डिवाइस को MIUI 12 का ही अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो 12.5 का अपडेट कहाँ से देखने को मिलेगा, मुझे बहुत ही कम उम्मीद लग रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इन सभी डिवाइस के यूजर में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि Android 10 का तो अपडेट मिल चुका है पर MIUI 12.5 का अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों अभी तक MIUI 12.5 को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बस उसे बीटा टेस्टिंग के लिए चाइना में ही रोल आउट किया जा रहा है। जब इसे पब्लिकली रोल आउट कर दिया जाएगा ग्लोबल और इंडिया में तब आप सभी को अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आप लोग इन सभी चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, अभी आप लोग जो अपडेट मिला है उसी अपडेट को यूज करो। जब MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट किया जाएगा हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।